मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। नहा धो के रेडी हूँ, सब सेट है तो ऑफिस पहुँचता हूँ। आज बहुत काम है तो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। ऑफिस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अजय जी? बहुत बढ़िया। कितनी गर्मी में? गर्मी का है भाई, ठंड है, हवा चल रही है, धूप निकली हुई है। ठीक है भाई, ओके। लंच वाला वो जो यहाँ खड़ा होता है, फिर अब शाम को लंच कर लो। शाम को लंच दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर। तो भैया शाम का लंच कैसे होता होता हमें नहीं पता। शाम को ब्रंच तो सुना था, लंच का नहीं पता था। पता नहीं भाई, देखा था ना शाम को। तो फिलहाल अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बस पालक पनीर दाल सैलड रोटी और उधर भी दाल और रोटी। तो जब भी खाना खाना हो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इस ढाबे पे आके जरूर खाएं। सरदार जी पंजाबी ढाबा है, अच्छा खाना बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, मतलब खाने लायक है, सस्ते का सस्ता है, अफोर्डेबल का अफोर्डेबल। क्यों जय जी? यार वी मिस द अपॉर्चुनिटी टू हैव छोले भटूरे एंड गाजर का हलवा फॉर फ्री बिकॉज इट्स अ भंडारा गोइंग ऑन। वी मिस इट। अजय जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा मिस करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, दाल बहुत स्वाद थी। दाल स्वाद थी, चलो कोई बात नहीं। खुला आसमान है, क्या मौसम है, पूरी दिल्ली एकदम साफ सुथरी सी लग रही है। तो ये जो मौसम है ना अभी, बहुत ही बढ़िया मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, और इस मौसम में आपको घूमना चाहिए। और आपको पता ही है अगर घूमना है तो किससे मिलना है, किसको कॉल करना है। यू कैन कॉल अस टीटो ट्रैवल स्काई रूट हॉलीडेज फॉर एनी ऑफ योर ट्रैवल, फ्लाइट्स हो, वीज़ाज हो, पैकेजेस हो, या सिर्फ होटल बुकिंग हो, तो कॉल अस। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है हमारे पेजेस का भी और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। एंड अजय जी जो हमारे वीज़ा स्पेशलिस्ट हैं, इनको कॉल करें फॉर वीज़ा क्वेरीज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, USA वीज़ाज के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर फेब अप्रैल मार्च, अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो घूमने के लिए तैयार हो जाएं, प्लान करिए और हमें बताइए, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया पैकेजेस बना के देंगे बढ़िया डील पर। चलें नीचे, चलें कहाँ? नीचे। अबे नीचे नीचे क्या कर रहे? चाय पीने। चाय तो ऊपर आ जाएगी, यहीं मंगवा ले। अरे यार चल लो ना, चलो। अरे भाई चल लो। क्या मुंह लगा रखा, सुस्ती फैला रखी है ऑफिस में। काम कर रहा हूँ, नहीं जाना। ओ माय गॉड, ठीक है बेटा, अब बोलना मुझसे। क्या धमकी दे रहा है? अब बोलना मुझसे चलने के लिए। धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। मंगवा ले जा। आगे लाइन पे चाय मंगवाने के लिए, बीच जाने के लिए। ठीक है भाई मंगा लेते हैं, ये लोग कॉल कर देते हैं चाय वाले को। 2000 years later क्या हो गया? चल जाएगी। समझ गए ना दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है कुछ। अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है सुबह से, कभी भंडारा चल रहा था, अब यहाँ ये चल रहा है, नुक्कड़ नाटक टाइप चल रहा है। चले अप्पा, चलिए चाय पीने चले। चलिए हमने कहा एक गेम खेल के फिर चला जाए। अरे यार निकल जा, अलग अलग निकल जाए चिपके, एक भी शॉट नहीं लग रहा यार। ओ क्लोज इनफ, आउट ही हो गया। गुड वन, नाइस। अरे नॉट इन सेंटर। सो भैया शॉट एक भी बीच में तो लगा नहीं आज। चलो ये आ गया जी। क्यों जी बैकअप?
नाइस, एक फिर लगा दो उसे, तुम लगा दो, तुम्हारा शॉट देख लेते हैं, पीछे जाओ, लेकिन पीछे पीछे हाँ पीछे दीवार के बाहर निकल जाओ। एक काम करो, ये कर्टन हटाओ, पीछे निकल जाओ, मारो मारो। अच्छा जी, एक आउट, आउट नहीं लगा, तुमसे तो बेटर है, अबे बराबर ही चल रहे भाई, अबे जाओ कहाँ लगा दे। और हाँ भाई, बेटर है तुमसे, ठीक है भाई, तुम बड़े भी तो ना यार, अब बड़े हो गए। तुम बड़े वाले हो। ये क्या था भाई, लपेटो लपेटो, चला जाए फिर, क्रूज भी जाएगा है, क्रूज पे, क्रूज पे क्या है, कौन भेज रहा है, मैं भेज रहा हूँ, भेज दो यार, फैम ट्रिप है क्या तेरी, तो फैम ही है, भेज दो भाई, क्रूज पे भेज दो, ये पकड़ क्रूज। ठीक है भाई, ओके, नहीं भाई नहीं चाहिए, देख के समझ ही गए होंगे, आज मैं आ गया हूँ घर, ऑफिस से पैकअप करके घर पे आ गए, देखते हैं क्या करना है आगे। भाई आने के बाद हमने सोचा घर पे अभी तो कोई है नहीं, सिर्फ छोटी सिस्टर और मम्मी गई है बाहर, तो हम सोचे चाय बना लेते हैं, क्यों ना चाय पी ली जाए। तो चाय बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। पानी लीजिए, चीनी लीजिए, चाय लीजिए, गर्म होने रख दीजिए, उसके अंदर जिंजर के डाल दीजिए और दूध डालिए और उसको अच्छे से पकाइए, 10-15 मिनट 20 मिनट पक जाए जब तब गिलास में डालिए या कप में डालिए और मज़ा लीजिए चाय की चुस्की का, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रहा है ये, बड़ा मग्गा भर के अपनी तो हो गई है चाय रेडी, अब चाय पी लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बाकी का काम किया जाए। मैं बैठा हुआ था और सडनली मुझे अपनी लास्ट ट्रिप जो मैंने इजिप्ट की करी थी उसकी फ़ोटोज़ देख रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो मतलब बहुत लंबी सीरीज़ बन जाएगी अगर मैं उस पर ही खाली एक ब्लॉग बना के डालना शुरू करूं, तो काफ़ी लंबा बन जाएगा, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 8 दिन मैंने इजिप्ट में बिताए थे। सो मैं आपको अभी day 1 दिखाता हूँ जब मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी, और आप वो day 1 देखो, day 1 में अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिखाता हूँ कि घर से हम निकले थे और हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, बोर्डिंग करी और दुबई जाके हमने लैंड किया, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट हॉल्ट था वो दुबई का था, तो आप ये देखो और इन्जॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे और मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए, और कुछ ही देर में हम बस निकलेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं पैकिंग करके यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये मेरे बैग्स रखे हुए हैं और मैं बस अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला हूँ, कैब का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही कैब आती है एयरपोर्ट के लिए हम निकल जाएंगे और आपको दिखाते हैं आने वाले दिनों में हम क्या क्या करेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा से मतलब वो नहीं, मतलब समझ गए ना आप लोग, सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू प्रेस द बाबा जी का, थैंक यू। हम यहाँ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और ये एयरपोर्ट का नज़ारा, अभिजीत यहाँ खड़ा हुआ है हमारे साथ और ये एयरपोर्ट पे इस समय घमासान मचा हुआ है, सुबह का टाइम है, मेरे पीछे आप सनराइज देख पा रहे होंगे वो रहा, और अभी बस अब हम अपना बैग लेंगे और अंदर चलेंगे एयरपोर्ट, तो अभी हम यहाँ एयरपोर्ट पे हैं और अपना सामान कैरी करते हुए जा रहे हैं गेट की ओर, एयरपोर्ट में अभी एंट्री भी नहीं की है क्योंकि डिजी यात्रा वाले ने घुसने नहीं दिया, हम डिजी यात्रा पे अपना लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि PNR कुछ ज़्यादा ही लंबा है, सो हमने सोचा चलिए एयरपोर्ट के अंदर जाके काउंटर पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है।
आर एट द दिल्ली एयरपोर्ट D3 टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दैट्स अभिजीत कमिंग अवे ऑन हिज वे. सॉरी. हेलो. आर यू एक्साइटेड? एब्सोल्युटली. बोथ आर एक्साइटेड एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर अदर टू फ्रेंड्स ऑफ अस हु आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद अस. In the meantime, you can have a look at the airport. Very beautiful entry, very peace, calm. Check-in gate is E and G. We are going for Air India counter now. So G is in just in front of me right now, and Abhijit is following me. Both are checkers today. So we have this Air India welcome over here. We will enter it. Check-in first, Maharaja. AB. इमिग्रेशन क्लियर कर लिया वो पीछे और अपना लगेज चेक इन वगैरह सब कुछ करा लिया, अपनी चेकिंग करा ली है. अब हम दिल्ली ड्यूटी फ्री के आगे खड़े हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और अभी अपन यही करेंगे. दिल्ली ड्यूटी फ्री में शॉप जो पिक्स आप देख रहे हो ये कुछ लम्हे हैं जो मैंने और अभिजीत ने ब्रेकफास्ट करते टाइम साथ बिताए. सो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम एयरपोर्ट के अंदर हैं. कुछ ही समय में हमारी फ्लाइट शुरू होगी, तब हम बोर्ड करेंगे और अभिजीत भाई से जानते हैं कैसा लग रहा है उन्हें अभी. नॉट इंटरेस्टेड. ये कह रहे हैं अभी हम खाना देखेंगे, खाने देखने को. लेट इट बी, देखते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं. अगर मुझे क्या हो गया, बस हर बार थोड़ी देर में क्यों मिलते हैं, वीडियो तो कंटिन्यूशन में जाएगा ना. सो लेट इट बी. हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और बस बोर्डिंग गेट पर जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, देखेंगे. जब हमने ये फ्लाइट बोर्ड कर दी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी. सो दिस इज़ ऑल इंटीरियर ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट जिसमें हम बैठ के दिल्ली से दुबई गए थे. सो देखिए ये होता है फ्लाइट के लिए. सो वी हैव लैंडेड इन दुबई एयरपोर्ट राइट नाउ, टर्मिनल 1. नाउ वी विल बी मूविंग टू Dubai Terminal 3. After 3 hours, we are having flight to Cairo. And here is my friend Abhijit and Mr. Neeraj, friend of our colleague. So we are happy about this journey. दुबई हम पहुंच चुके हैं और अभी मैं आज के लिए इतना ही दिखाऊंगा. आई होप आपको मज़ा आया होगा. इजिप्ट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले अगले व्लॉग्स में मैं आपको बाकी की जर्नी भी दिखाऊंगा.
सो अभी डे वन का हाफ डे हुआ है, क्योंकि डे वन पे हम दिल्ली से दुबई पहुंचे थे और दुबई से फिर हमने अगली फ्लाइट बोर्ड करी थी इजिप्ट के लिए। सो कौन सी फ्लाइट बोर्ड करी थी, क्या हुआ था, कैसे पहुंचे थे, तो वो जानने के लिए अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगला व्लॉग अगर देखना है तो उसको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। और मेरी इजिप्ट की बाकी पोस्ट देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, सॉरी, तो वो मैंने डाली हुई है। सो गाइज, आई होप यू रियली एंजॉयड इट। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि आपको कैसा लगा, और आप बाकी की जर्नी भी देखना, इसमें इंटरेस्टेड है वो भी या नहीं है, मैं ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा हूँ। सो एनीवेज, आज का दिन हम यहाँ पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए हस्ता ला वीस्ता।